और ये देखो सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ हमें जाना है। एक बड़ा जैकेट लेना था कि नहीं? अब हमने टिकट्स ले ली है। मेरे पीछे जो दिख रहा है ना वो पुराना। ओके, यहाँ पे लिबर्टी के पहले यहाँ पे कैसे हो आप लोग? बस इतना ही बोलना था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने, और ये पुल बहुत ही अच्छा। एंड वेदर इज़ सो बैड, बहुत ठंडी थी, वैंडी सा वेदर था। एंड ये ब्रिज बहुत ही मस्त है, देखो। एंड दिस ब्रिज इज कनेक्टेड टू न्यूयॉर्क टू न्यू जर्सी। अगर आपको न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जाना तो ये ब्रिज से होके जा सकते हैं। बीच में हुडसन रिवर है। ये वॉल अच्छी पेंट की हुई थी, ड्राइंग अच्छी बनाई थी किसी ने। और ये भाई को पता नहीं क्या हुआ था, कुछ तो कर रहे थे अपना। और एनीवे इससे छोड़ो, ये देखो न्यू जर्सी का डाउनटाउन, सभी हाई राइज बिल्डिंग है यहाँ पे, अच्छी है। और यहाँ से सामने बिल्कुल न्यूयॉर्क का डाउनटाउन दिखाई दे रहा है। अभी दिखाई, ये देखो न्यूयॉर्क का डाउनटाउन है। हमने मोटल न्यू जर्सी साइड रखी थी ना, इसलिए हम न्यू जर्सी साइड से स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाएंगे। अब दोनों साइड से जा सकते हैं फेरी लेके। और ये हुडसन रिवर है सामने, देखो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी अभी दिखाई देगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कॉइन डाल के। और ये देखो सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ हमें जाना है। एक बड़ा जैकेट लेना था कि नहीं? बहुत ठंडी है। हेलो गाइस, अब हमने टिकट्स ले ली है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, सो अब हम घूमने जाएंगे वहाँ। और ये मेरे मामा जी का लड़का और उसकी वाइफ साथ में है, हम चार लोग आए हैं। सो ये पूरा बिल्डिंग है। हेलो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। और उसको मैंने बोला था मोटा जैकेट ले ले, पर उसने नहीं लिया, मैंने एक नहीं सुनी। और अभी उसको बहुत ठंड लग रही है। ओके, चलो फोटो सेशन हो गया, अब जाते हैं फेरी में। ओके, सो हमारी टिकट ले ली है फेरी की। और ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ना वो पुराने रेल का स्टेशन है, ट्रेन का, बहुत पुराने ज़माने का लग रहा है।
पे लिखा है नौ ट्रेन, टू ट्रेन सॉरी। ओके हमारी फेरी आ गई, अभी हम जा रहे हैं। ये न्यू जर्सी का डाउनटाउन और इसके बिल्कुल सामने ही देखो अभी दिखाई देगा ये न्यूयॉर्क का डाउनटाउन। अभी हमें वहाँ भी जाना है, आज रात को जाएंगे वहाँ भी आपको घुमाएंगे। और बहुत विंडी सा वेदर था, ठंड भी बहुत थी, इसलिए थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो ले लिया यहाँ पे और फिर हम अंदर बैठ गए। या देसी पटारा हमारे गांव में अभी भी ऐसा है, हमारे गांव के घर में अभी भी ऐसा है। एंड ये न्यूयॉर्क का मैप था, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ऑल आइकॉनिक मॉडल बनाए हुए थे, ये सब हाई राइज बिल्डिंग जितनी भी है न्यूयॉर्क की वो सब थी। Thank you.
प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन के कार्यवाही का टेबल है, जो मेन्यू का टेबल नहीं है। ओके, म्यूजियम में हमें घूम लिया, अभी हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने। अंदर थे तब कुछ पता नहीं चल रहा था, बाहर बहुत ठंडी है। काफ़ी बड़ा म्यूजियम है ये, अंदर थिएटर सब कुछ था। काफ़ी पार्ट तो हमने स्किप भी कर दिए, वरना टाइम से हम पहुंच नहीं पाते, इसलिए बहुत ज़्यादा घूमे नहीं। और अभी हम निकल चुके हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए। और ये मेरे पीछे जो दिख रही है वो फेरी न्यूयॉर्क की है। यहाँ पाओ नहीं तो ध्यान से बैठना पूछ लेना, वरना न्यूयॉर्क आप आओगे न्यूयॉर्क से और चले जाओगे न्यू जर्सी। ओके, सो फिर ये व्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, बाय, टाटा, सी यू।